फाइनल साम दाम दंड भेद में फेल हुआ मंदिरा का प्लान। एक बार फिर सजी है मंदिरा की सुहाग की सेज। जी हाँ, लाख कोशिशों के बाद भी मंदिरा की हो गई है अनंत से शादी और आज है अनंत और मंदिरा की सुहाग रात। लेकिन उससे पहले अनंत की बहन मृणल मंदिरा को देती है कुलदेवी का सिंदूर। अनंत जब तुम्हारा घूंघट हटाएगा तो उसे कहना सबसे पहले ये कुलदेवी का सिंदूर तुम्हारी मां के लिए। ये कुलदेवी का आशीर्वाद है और हमारे राजघराने की परंपरा, इसे संभाल कर। भाई मंदिरा इतनी आसानी से कैसे हार मानने वाली है? मंदिरा ने जानबूझकर गिरा दिया कुलदेवी का सिंदूर, जिससे मृणल को आता है काफी गुस्सा और वो मंदिरा को जमकर सुनाती है खरी खोटी। मंदिरा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब से तुम यहाँ आई हो तब से इस तरह का बर्ताव कर रही हो जैसे तुम यहाँ आना ही नहीं चाहती। अगर तुम हमारे भाई से प्यार करती हो इस शादी से नाखुश मंदिरा बनाती है अपना अगला प्लान। लेकिन अनंत तो इस शादी से है बेहद खुश, क्योंकि वो मंदिरा से करते हैं सच्चा प्यार और इसी बात का फायदा उठाती है मंदिरा और शुरू करती है अपना नया इमोशनल ड्रामा। मंदिरा के कड़वे बोल अनंत को शर्मिंदा करने के लिए काफी थे, लेकिन अनंत को खुद से दूर रखने के लिए मंदिरा ने तो आज शर्मिंदगी की सारी हदें कर दी है पार। शादी का मतलब यही है ना? तो ठीक है, मना लीजिए अपनी को, यही कहना चाहते ना? मंदिरा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मंदिरा वही नहीं जिससे हमने प्यार किया था, जिससे हम शादी करना चाहते। और तो और मंदिरा अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गई। मंदिरा की इज्जत को खुद की इज्जत समझने वाले अनंत उन्हें उनकी मर्जी के बिना छूने से साफ इनकार कर देते हैं। और इस घर को किसी भी दबाव के बिना पूरी तरह खुशी खुशी से